वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री द्वितीय के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो आज का एपिसोड बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कल शाम को सारे के सारे लोग उदास हो गए थे, क्योंकि गाइस अनफॉर्चुनेटली स्त्री 2 जिस स्पीड पर जा रही थी उस स्पीड को वो बरकरार नहीं रख पाई जन्माष्टमी के अवसर पर। सबको लगा कि एटलीस्ट 24-25 करोड़ कलेक्शंस आएंगे, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली कल इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखकर सबका मन उदास हुआ। लगा कहीं ना कहीं 17 शायद 18 के ऊपर जाएगी ये फिल्म, लेकिन आज सुबह के एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से ऑल थैंक्स टू मुंबई पुणे कलेक्शन विल गो अबाउ 18 करोड़ रुपीज। लेकिन नाउ फाइनली जब ऑफिशियल फिगर्स आ गए गाइस यहाँ पर डे नंबर 12 के, तो सभी लोगों ने राहत की सांस ली। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि स्त्री 2 विल गो एंड चेज डाउन जवान हिंदी वर्जन ऑफ 582 to 584 करोड़। यस फ्रेंड्स, इट्स गिवन, क्योंकि गाइस जिस तरह की ट्रेंड एंड ट्रेजेक्ट्री ये फिल्म आज लेगी उसी हिसाब से ये फिल्म वहां जाते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इसका वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो भी एक अलग लेवल पर जाते हुए दिखाई देगा। ओवरसीज द फिल्म इज डूइंग माइंड नंबिंग बिजनेस, एंड आज जो ओवरसीज कलेक्शन आया है उसको देखकर ये भी एहसास हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ओवरसीज एंड द कमिंग वीकेंड स्त्री 2 एक ऐसा नंबर पोस्ट करेगी जो कि इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीदें थी कल जन्माष्टमी पे कहीं ना कहीं 24 करोड़ से कलेक्शन तो आना ही आना है। रात तक 17 से 18 करोड़ की उम्मीद हुई, लेकिन मुंबई इन द इवनिंग शोज 20 था जो कि जंप होकर रात में 35 गया। पुणे 15 से 22, बेंगलुरु 23, एंड सुबह तक लग रहा था कि यस 18 करोड़ के ऊपर आएगा। वी नीड टू वेट फॉर द ऑफिशियल फिगर which makes स्त्री 2 make a record like never before। इससे पहले कभी भी कोई फिल्म constant नहीं हुई है, कभी गदर 2 तो कभी बाहुबली 2 तो कभी एनिमल। ये records जो रहे हैं consecutively, जैसे कि हर इनिंग में 100 बनाने का रिकॉर्ड जो है, जैसे कि इनिंग नंबर 1, इनिंग नंबर 2 बहुत कम बैट्समैन के पास है। एक टेस्ट हो गया, दूसरे टेस्ट मैच में भी सेम रिकॉर्ड हासिल करना के फर्स्ट इनिंग एंड सेकेंड इनिंग में 100 बनाना, दीज आर सम क्रेजी रिकॉर्ड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड वीक का अब राजा, अब बादशाह, या तो फिर बड़ी माँ कहूं, स्त्री 2 बन गई है। क्योंकि गाइस हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे हुआ, हाईएस्ट सेकेंड संडे हुआ, हाईएस्ट सेकेंड वीकेंड हुआ, एंड ब्रेस योरसेल्फ्स द हाईएस्ट सेकेंड मंडे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इज स्त्री 2 20.20 करोड़। दिस इज माइंड एफिंग। इस फिल्म को जो हाइप मिलना चाहिए, इसके कलेक्शंस को जो बज मिलना चाहिए, वो आप दे रहे हो, वो जनता दे रही है, ना ही कोई पीआर मशीनरी दे रही है। दिस इज एब्सोल्युटली मैडनेस गाइस, 20.20 करोड़, बीटिंग टाइगर जिंदा हैज हाईएस्ट सेकेंड मंडे 18.04 करोड़, बाहुबली 2 16.75। ये दिखाता है, ये दर्शाता है किस तरह से ये फिल्म के पैर जो है लंबे है, मजबूत है, एंड ये फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है। ये एक बहुत ही क्रेज होने वाला है गाइज। स्त्री 2 की जो ट्रेंडिंग चल रही है, स्पेशली सेकेंड, इसका थर्ड वीक जो आएगा काफी खतरनाक है, क्योंकि अगले हफ्ते फिल्म के नाम पर कुछ भी नहीं है, नथिंग। दिस इज गोना बी मेंटल मेहम। ये शायद जवान को तोड़ के पहली हिंदी फिल्म हो जो 600 करोड़ नेट कलेक्शन कर ले, क्योंकि जवान का हिंदी वर्जन 600 करोड़ नहीं गया था। इससे पहले हिंदी वर्जन में कोई पिक्चर 600 करोड़ नहीं गई है। ये अगर इसी तरह चलते रही, इट्स गोना बी बैम्बू बम्बूजल फॉर ऑल द फिल्म्स, एंड ये इतिहास के कगार पर जाएगी। इसी के साथ फिल्म अब गाइज यहाँ पर अपने 12 दिनों में 421.85 करोड़, 421.85 करोड़ जो है चला जाती है, एंड इसका ग्रॉस होगा 498 करोड़। ओवरसीज डे नंबर 12 ऑन अ मंडे इज 5.5 करोड़। नॉर्थ अमेरिका हैज गॉन कंप्लीटली ऑन ओवर ड्राइव। इसके कलेक्शन जो है जिस तरह से आ रहे हैं, मैं आपको ब्रेकडाउन दूंगा ओवरसीज के कलेक्शन का, वाकई में सराहनीय है। सो गाइस, ओवरसीज कलेक्शन अब इस फिल्म के जो है वो 91 करोड़ पे पार हो गए। मेकर्स खुद डेली ऑफिशियल जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। बात करो नॉर्थ अमेरिका की, ऑलमोस्ट 47 to 48 करोड़ है। मिडिल ईस्ट यानी कि यूए जीसीसी 19 करोड़ है, यूके एंड यूरोप 11 करोड़ है। बात करो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 11 करोड़ के ऊपर है। रेस्ट ऑफ एशिया 4.5 है, एंड अदर्स मिला लो गाइस, कहीं ना कहीं ये फिल्म में कलेक्शन ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। यानी कि मेकर्स ने 91 रिपोर्ट किया है, लेकिन
मैंने आपको पहले कहा है ओवरसीज इन लोगों ने कलेक्शन कम किए, इन लोगों का क्या कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आता है, आराम से कलेक्शन 93-94 के पार है इसका ओवरसीज का। इनऑल एंड डन 91 इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो 91 ओवरसीज 498 इंडिया ग्रॉस, ये फिल्म ने 589 करोड़ वर्ल्ड वाइड सिर्फ 12 दिन में किया है। अरे भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बैठकर। यही कोई शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्म होती ना तो अभी ऐसा पागलपना हो गया होता था ना कि जलजला मच गया होता था। 3-2 इज क्रिएटिंग दैट मैडनेस ओवर हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, दिस इज अ फिल्म विच हैज वन ओवर हियर, ये फिल्म की जीत हुई है जो कि यहाँ पर नंबर्स के जरिए आ रही है। आज का मिशन क्या है बच्चों, आप सभी लोगों को पता है, 15.75 करोड़ आज का मिशन है। एंड अगर ये मिशन अचीव हो गया देन हर इनिंग्स में दो बार सेंचुरी दोनों टेस्ट मैच में हो जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे बाहुबली 2 इज द हाईएस्ट सेकंड ट्यूसडे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी 15.75 करोड़, अगला तो यहाँ पे जवान है 12.9 जो कि आराम से तोड़ देगी, इसको बस 15.75 करोड़ कमाना है, 15.76 मेरा प्रेडिक्शन, इसलिए 16 करोड़ इस पिक्चर का। अगर आज ये फिल्म 16 करोड़ कमाती है तो एक तीर से दो निशान होगा, ये हाईएस्ट सेकंड ट्यूजडे तो बनेगा ही बनेगा। ये केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड 434.74 करोड़, यस फ्रेंड्स 434.70 करोड़ तोड़ के 437.85 करोड़ हो जाएगा एंड टॉप 6 में एंट्री लेने वाला है, दिस इज मैडनेस। तो 16 का ग्रॉस होगा 19, ओवरसीज आज ट्यूजडे है, डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका के ऑफर्स की वजह से कलेक्शन 6 करोड़ के ऊपर जाएगा, यानी कि आज भी 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड आएगा। कल ये फिल्म 611 से 612 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर रिलीज कर रही है, मानो या ना मानो वी आर इन द एंड गेम, 3-2 हैज हिट टॉप गियर एंड इंतजार है कि संडे तक ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में क्रैश करे। एंड एक बार 500 करोड़ क्लब में क्लैश बोल रहे हैं भाई, और क्लैश वाले तो किधर गए पता ही नहीं चल रहा है, एक बार क्रैश हो गई एंड कब बाहुबली उड़ेगा, कब पठान, कब गदर, कब एनिमल। 505 पे तो एनिमल उड़ जाएगा, सुबह बताया ना 505 पे एनिमल हिंदी वर्जन उड़ जाए, 503 पे एनिमल उड़ेगा, 511 पे बाहुबली 2, गदर 2 525.45, पठान 524.53 एंड द बिग गन द बिग फिश किंग खान शाहरुख खान 582 से 584 करोड़। इफ 3 मैनेजेस टू नॉक ऑफ पठान, नॉक ऑफ जवान, ये अचीवमेंट एक बहुत ही मैडनेस होगा, ये बहुत ही क्रेज हो जाएगा गाइस, लिटरली बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि 3-2 600 करोड़ सिर्फ हिंदी में कमाए, लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर है मेरा भाई, वी आर एट राइट नाउ 421 करोड़ रुपीज। बट सबसे बड़ी बात जो ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग 13वें दिन पर है, वी आर जस्ट ऑन द 13th डे, एटलीस्ट 30 दिन तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इसके सामने, इसीलिए एपिसोड बनाया था कि भैया जो निराश हो गए थे स्त्री को लेकर, स्त्री अभी जिंदा भाई, वो स्त्री कुछ भी कर सकती है। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून, जितना से एपिसोड को लाइक कीजिए, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।